गैंगस्टर चाहुल को मेवात पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी पुलिस ने किया था 15,000 रुपए का इनाम घोषित। बता दें, पुलिस प्रवक्ता से मिली जानकारी के मुताबिक अपराध जांच शाखा नुह निरीक्षक सुभाष के नेतृत्व में गठित टीम ने थाना बलदेव जिला मथुरा उत्तर प्रदेश के एक मुकदमे में 15,000 रुपए के एक वांछित बदमाश को अवैध हथियार सहित दबोचा है, जिसकी पहचान जाहुल पुत्र मूसा निवासी रायपुरी नुह के रूप में हुई है। आरोपी के खिलाफ नुह शहर थाना पुलिस ने अवैध हथियार अधिनियम के तहत केस दर्ज किया है। जाहुल पर मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के थाना बलदेव में गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने चाहुल पर 15,000 रुपए का इनाम रखा हुआ था। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक सूचना मिली कि चाहुल पुत्र मूसा निवासी रायपुरी नुह सदर थाना पर थाना बलदेव जिला मथुरा उत्तर प्रदेश से 15,000 रुपए का इनाम घोषित है, जो अवैध हथियार रखता है और पलवल टी पॉइंट नुह पर खड़ा है। सूचना के मुताबिक पुलिस टीम ने मौके पर दाविश देते हुए युवक को काबू किया, जिससे पूछताछ में अपनी पहचान उसने चाहुल नाम बतलाया और तलाशी लेने पर उसके कब्जे से एक देसी कट्टा व एक कारतूस मिला है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी के खिलाफ मथुरा उत्तर प्रदेश के थाना बलदेव में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। इसके अलावा थाना डबुआ व थाना शहर फरीदाबाद पल्लमगढ़ में चोरी के 3 अलग-अलग मुकदमे दर्ज हैं। जाहुल पर थाना बलदेव मथुरा उत्तर प्रदेश के मामले में 15,000 रुपए का इनाम भी उत्तर प्रदेश पुलिस ने घोषित किया हुआ था। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध थाना सहनू में अवैध हथियार अधिनियम के तहत केस दर्ज कर संबंधित पुलिस को भी सूचना दे दी है। आप देख रहे हैं नुकमेवास से लियाकत अली रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और रोजाना देखते रहिएगा जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें।